तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी जगह जहां तपस्या भी होती है और मुक्ति भी मिलती है। उस जगह को हम जानते हैं संगम के नाम से, और इस जगह को हम सब देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आप ऋषिकेश आए और फिर देवप्रयाग, और हम बद्रीनाथ से आ रहे थे तो हम हेलंग, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए देवप्रयाग पहुंचे। रात में पहुंचे थे तो होटल पायस गंगा में हमने स्टे लिया, तो हमें टैरिफ यहाँ पे पड़ा 1400 रुपये कुछ, क्योंकि रश कुछ ज़्यादा नहीं था। तो जब रश कम होता है तो कम रेट में हमें होटल्स मिल जाते हैं। होटल के बैक साइड पे कुछ ये नज़ारा है, सामने वाला पहाड़ आप देख रहे हो ये जा रहा है पौड़ी गढ़वाल की तरफ, और अभी हम है टीडी गढ़वाल के अंदर। तो पूरा व्लॉग देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम पहुंच गए थे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग संगम पे जाने के लिए हम यहाँ पे रुके थे, और कुछ ये होटल है, होटल पायस गंगा। तो यहाँ पे हमने रात को स्टे करा था, तो टैरिफ हमें 1400 रुपये कुछ पड़ा था, और सीज़न के ऊपर डिपेंड है, इनके रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो हमें 1400 रुपये का पड़ा था, क्योंकि हम आए थे तो उस टाइम पे रश नहीं था इतना ज़्यादा। चल रहे हैं संगम के लिए देवप्रयाग, तो यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता है, तो गाड़ी से जाएंगे और वहीं पर गाड़ी पार्क करेंगे और संगम पर चलते हैं। तो चलो चलते हैं। है संगम, तो नीचे जाना है, तो चलो चलते हैं नीचे और देखते हैं संगम। बेल का पेड़ मिला हमें, तो नीचे शिवलिंग मिलेगी तो चढ़ा देंगे, तो बेल तोड़ लेते हैं। तो इतने काफी है, तो चलो चलते हैं। इस साइड से जा रही है ये भागीरथी नदी है, और उस साइड से जा रही है वो है अलकनंदा। तो चलो दिखाती हूँ आपको संगम। यहाँ से पुल है, तो ये हमें संगम की तरफ लेके जाएगा। कितनी ज्यादा तेज आवाज है। ओ। ये देखो, ये भागीरथी नदी है, और शोर नदी का इतना ज्यादा तेज है ना, और देखने में भी बहुत, पहले तो डर भी लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। बाकी यहाँ पे मार्केट है, यहाँ की लोकल मार्केट, जैसे कुछ सामान वगैरह लेना था। तो पहुंच गए संगम पे, तो इधर नीचे जाना है, चलो चलते हैं। तो पहुंच गए हम संगम पे, तो आप पीछे देख सकते हो भागीरथी नदी और साइड से अलकनंदा नदी। तो सच्ची बताऊँ तो एक हफ्ता पहले केदारनाथ आई थी, और केदारनाथ जब आई थी तो मेरी बड़ी इच्छा थी संगम पे रुक के संगम देखने का,
पास जाके संगम देखने का, लेकिन उस टाइम ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन ठीक है, एक हफ्ते बाद जो चीज़ मैंने चाही थी वो मुझे मिल गई, तो मैं संगम को बिल्कुल करीब से देख पा रही हूँ। और सच्ची बताऊँ ना तो ये कुदरत का करिश्मा ही है कि दो अलग अलग रंग की नदियाँ जिनका स्वरूप अलग है, जिनका नाम अलग है, वो मिलके एक नया रूप पैदा करती हैं जो कि गंगा माता का स्वरूप है। तो ये सच्ची में कुदरत का करिश्मा ही है। तो अगर आप कभी केदारनाथ या बद्रीनाथ की तरफ जाओ तो संगम ज़रूर देखना, तो आपको बहुत अलग सा सुकून मिलेगा। तो देखो ये रहा संगम। तो संगम देखो आप, इस तरफ को भागीरथी नदी और इस साइड पे अलकनंदा नदी, तो दोनों का संगम हो रहा है। और संगम होने के बाद दोनों नदी मिलके गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है और सीधा जाती है हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ। तो देखो जो भागीरथी नदी है वो बिल्कुल ब्लू कलर की है, और जो अलकनंदा नदी है वो इस तरफ से आ रही है, वो थोड़ी सी मैली सी है। और दोनों जब मिल जाती है तो गंगा नदी बन जाती है, और वो उधर गंगा नदी का जल जा रहा है सामने की तरफ। और ये संगम है, यहाँ पे सारे स्नान कर रहे हैं। तो संगम पे हम बैठे हैं देवप्रयाग में, तो अभी आपने देखा होगा वीडियो में, तो पंडित जी आपको बताएंगे संगम के बारे में और यहाँ के घाटों के बारे में। ये भागीरथी है सामने वाली, ये आ रही है आपकी गंगोत्री गौमुख से। इसको राजा भगीरथ लाया था अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, हैं क्योंकि आपने सुना होगा कपिल मुनि के हिसाब से उनके 60,000 पितर भस्म हो गए थे, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तब चौथी पीढ़ी में राजा भगीरथ पैदा हुए, उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या करके इस भागीरथी को लाए थे। यहाँ से अलकनंदा, ये बद्रीनारायण से आ रही है, इसको माँ लक्ष्मी जी लाए थे अपने परिवार के सुख शांति के लिए। और इसी में सरस्वती विलीन होके आ रही है बद्रीनारायण से, माना गाँव से। तो ये हुआ अलकनंदा भागीरथी गुप्त सरस्वती त्रिवेणी संगम है, जहाँ हम लोग बैठे हैं या लोग स्नान कर रहे हैं। भगवान का नाभि क्षेत्र है चरण गया में सर बद्री नारायण, ये भगवान का मध्य भाग है। यहाँ भगवान राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या प्रायश्चित किया था, और अपने माता पिता का पिंडदान तर्पण इत्यादि इसी नदी में किया था है। और जो हरिद्वार में कुंभ लगता है वो यहाँ का है, लेकिन जगह की प्रॉब्लम के कारण वो कुंभ हरिद्वार गया है ना। जो लोग जानते हो अभी भी यहीं आते हैं, अपने माता पिता का पिंडदान तर्पण इत्यादि यहाँ पर किया जाता है, यही यहाँ का महत्व है। तो संगम आए तो राम मंदिर तो जरूर आएंगे, तो राम मंदिर आ तो गए, लेकिन ये घंटी बहुत ज्यादा ऊपर है। तो चलो मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं, अब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ पे भी मत्था टेकेंगे। अगर आप संगम आ रहे हो तो राम मंदिर जरूर आएं, क्योंकि यही वो जगह है जहां राम भगवान ने तपस्या करी थी। भगवान शिव की ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उनको, रावण ब्राह्मण था तो उन्होंने उनकी हत्या करने के बाद यहीं पे आके भगवान शिव की आराधना करी थी। तो यही जगह है वो जहां पे भगवान राम ने तपस्या करी थी। A few moments later. तो देवप्रयाग संगम पे स्नान करके आ चुके हैं, तो अब कुछ खाते हैं और फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो हमने मंगवाया सुबह सुबह 10 बजे के करीब पराठे, तो जिस होटल में हमने ना स्टे करा था ना वहीं पे हमने नाश्ता करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी स्पेस था बैठने का, शांति से बैठ के खा सकते थे, तो हमने सोचा यहीं पे आते हैं वापस। तो अब नाश्ता करते हैं, यानी दो दिन बाद हमें तवे वाले पराठे मिले, वरना हम ना तंदूर वाले पराठे ही खा रहे थे दिनों से। तो अब ये खाएंगे आराम से और फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो देवप्रयाग संगम के बाद हम निकले हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। तो ऋषिकेश में भी हमने स्नान करा, लेकिन उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं करा था, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही मैंने त्रिवेणी घाट संगम पे व्लॉग बनाया था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं करा। इसी के साथ हमारा सफर होता है खत्म और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस दिल्ली। तो आई होप कि आपको ये वाला सफर पसंद आया होगा,
और पिछले एपिसोड ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी आपको नए सफ़र के साथ, नए मौज मस्ती के साथ।